तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आपने फेसबुक पेज बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपने अपने जो मोबाइल के अंदर आपने इंस्टॉल किया था, जिस पे आपने अपना फेसबुक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उस पे अपना अकाउंट क्रिएट किया था, आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे फेसबुक आपको टैब नज़र आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके अपनी ऐप को ओपन करूँगा। तो आपके सामने ये एक मेन्यू बार, यहाँ पे होम का ये मेन्यू बार है, ये आ जाएगा। आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल आपके इंटरेस्ट के मुताबिक बहुत सारी पोस्ट स्क्रॉल आप कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। बट चूंकि हमारा अभी हम पेज बनाना सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि तीन जो आपको डॉट लाइनें आपको टॉप राइट पे नजर आ रही हैं, आप उन लाइनों को क्लिक करेंगे। यहां पे मैं इन लाइनों को क्लिक करता हूं, इन लाइनों को क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका जो मेन मेन्यू है सर्विसेज का, जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं फेसबुक के, वो ओपन हो जाते हैं, जहां पे बहुत सारे आपको टैब नजर आ रहे होते हैं। फीड्स का है, फाइंड फ्रेंड्स का है, ग्रुप्स का है, मेमोरीज है, पेजेस हैं, सेव्ड हैं, रील्स, इवेंट्स, गेमिंग, स्टोरीज, और इस तरह सी मोर पे जाएंगे तो बहुत सारा दूसरे भी आपको एट्रीब्यूट नज़र आएंगे। बट यहाँ पे हमारा टारगेटेड जो रिक्वायर्ड पेज है, जो टैब है, वो है पेजेस, क्योंकि हमने इस वीडियो में पेज बनाना सीखना है। तो यहाँ पे आपको एक पेज का आपको एट्रीब्यूट और टैब नज़र आ रहा है, आप इस पेज को क्लिक करेंगे। इस पेज को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तीन ऑप्शन आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं, इसके आगे भी अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। नंबर वन पे क्रिएट है, देन डिस्कवर है, उसके बाद इनवाइट्स हैं, और फिर लाइक पेजेस हैं। तो सबसे पहले आपने जो क्रिएट पेज है, इसके टैब को आपने क्लिक करना है, क्योंकि आपने अपना पेज बनाना है तो इसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट के टैब को क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्रिएट के टैब को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है पेज बनाने का, वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस भी साथ साथ हर पेज पे आपको देता रहेगा, लेकिन नीचे आपको एक बॉटम पे अगर आप देखें तो आपको ब्लू टैब में गेट स्टार्टेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इस गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपने पेज का नाम रखना है। आपने नाम बहुत मेच्योर, बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत रेलिवेंट रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप कुकिंग का कोई आपने पेज बनाना है, तो अगर आप उसका नाम जो आप रख देंगे ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑब्वियसली जो कुकिंग के इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो वहाँ पे नहीं आएंगे। तो आपने कोई फेक काम नहीं करना, बिल्कुल रेलिवेंट ट्रुथफुलनेस यहाँ पे होनी चाहिए, और आपने जो फेक चीज़ें हैं उसे अवॉइड करना है। तो मैं यहाँ पे चलें, हम एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पेज का नाम एक रख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस। आपने बड़े आराम से, बड़े तहमल से, बड़े सबर के साथ सोच समझ के अपने पेज का नाम रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस पेज में किस तरह की पोस्टिंग करनी है, आप किस तरह के लोग चाहते हैं कि वो इस पेज में आए, उस रेलिवेंस को देखते हुए आपने अपने पेज का नाम रखना है। तो चूंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक पेज बनाना चाह रहा हूं, तो यहां पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस के नाम से एक पेज बना दिया है। नाम लिखने के बाद आप यहां पे जो नेक्स्ट का नीचे आपको टैब नजर आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहां पे आप अपने पेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कैटेगरीज लिख के, यानी कि आप यहाँ पे लिख दें कि आप इसमें किस किस्म की कैटेगरीज, ये तो डिजिटल मार्केटिंग को आपका जॉनरा हो गया, तो इसमें आपकी जो निशेज हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, वो किस तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो मैं इंटरेस्ट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में लिख देता हूँ, एक मेरा इंटरेस्ट तो ये हो गया है। उसके बाद मैं कंसल्टेंसी एजेंसी भी कर देता हूँ और डिजिटल मीडिया एजेंसी लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं जो भी आपके इंटरेस्ट हैं यहाँ पे आप सर्च बार में टाइप करेंगे। नीचे आपको ये देखें ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आप ऑप्शंस को जो आपका रेलिवेंट है वो आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक दो और जो इंटरेस्ट हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना ऑनलाइन सेलिंग कर देता हूँ, ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज है यहाँ पे, मैं इसको भी कर, यानी कि जो भी आपके इंटरेस्ट हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दो हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, लेकिन आइडियली यहाँ पे वो तीन ही होने चाहिए, तीन जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बड़ा टारगेटेड होते हैं। तो मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करूँगा कि आप इसको तीन कैटेगरीज में ही रखेंगे। आपने कैटेगरीज डालने के बाद आप क्रिएट के बटन को प्रेस करेंगे,
अब ये जो अगला प्रोसेस होगा ये उस स्लाइड पे चला जाएगा। यहां पे देखें आपके पास कुछ एक टैब आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो डालनी होती है। तो यहाँ पे आप एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई एक इसकी जो बायो है यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन है जो लोगों के लिए हो जो मेरे पेज पे हैं तो उनको ये मेरा इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा हो कि ये पेज किसके बारे में है या पेज की जो रेलिवेंस है वो क्या है, तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यह आपने बड़े तहम्मल से लिखना है, आप मेरे साथ ये साफ काम करेंगे साथ साथ में कर रहे होंगे तो आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफेक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस फॉर ब्रांड प्रमोशंस एंड कस्टमर एंगेजमेंट। ओके, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लेंथी आपने नहीं लिखनी, बस मैंने छोटी सी एक ये यहाँ पे जो जनरल जो बायो है मैंने वो लिख दी है। उसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक वेबसाइट भी दे देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे दें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ईमेल है वो आप दे देंगे। ईमेल देने के बाद यहां पे आप अपना नंबर दे देंगे। ये नंबर आपने एग्जैक्टली वही देना है जो नंबर आप यूज कर रहे हैं। मैं दोबारा यहां पे बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नंबर आपको बाद में ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होना है, आपके बैंकिंग पर्पसेस के लिए जो आपकी कैश ट्रांजैक्शन है उनके लिए यूज होना है, तो आपने कोई दूसरा नंबर किसी का नहीं देना, अपना नंबर ही यहां पे डालना है। अच्छा जी, नंबर डालने के बाद यहां पे आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, तो यहां पे मैं अपनी लोकेशन ऐड कर देता हूं और यहां पे जो आपका जिप कोड है वो आपने डाल देना है, जो भी आपके शहर या कंट्री का है वो आपने डाल देना है। ये डालने के बाद नीचे आपको एक टैब नजर आ रहा होगा कि आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हैं कि आप किस वक्त एक्टिव रहते हैं, यानी कि आप अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो लोकेशंस आ रहे हैं वो क्या हैं, कि आप किस वक्त एक्टिव हैं, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप स्टैंडर्ड कोई आर हैं आपके या कोई भी आर आप अवेलेबल नहीं है, तो जो भी आप इसमें से आपको बेहतर लगता है वो कर ले। मैं यहाँ से इसको ऑलवेज ओपन पे क्लिक करके इसको हम अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट के बटन को प्रेस करूंगा। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट पेज बन चुका है, लेकिन आपको एक स्क्रीन के सेंटर में ब्लू टैब में एक टैब नजर आ रहा है एडिट एक्शन बटन। एडिट एक्शन बटन का मतलब ये होता है कि आप लोगों से कॉल टू एक्शन यानी कि उससे आप किस किस्म का अपने ऑडियंस से रिस्पांस चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं वो आपको मैसेज करें, क्या आप चाहते हैं वो आपको ईमेल करें, क्या आप चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पर आउट हो जाएं, या क्या आप चाहते हैं कि वो आपको शॉर्ट कोई SMS या कोई व्हाट्सएप वो करें या ईमेल कर दें, तो आपने वहां पे डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है इस बटन के थ्रू कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके पेज के आने के बाद क्या करे। तो यहां पे एडिट एक्शन बटन को मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाते हैं। यहां पे ट्राई इट के बटन को आप प्रेस करें तो यहां पे देखें आप साइन अप कर सकते हैं, आप स्टार्ट ऑर्डर उनका ऑप्शन कॉल टू एक्शन ले सकते हैं, व्यू शॉप का दे सकते हैं, टिकट्स का दे सकते हैं, मैसेज है, कॉल नाउ है, सेंड ईमेल है, कॉन्टैक्ट अस है, तो जो भी आप कॉल टू एक्शन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट को बटन को प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना जो नंबर है, जो बिजनेस का नंबर है जो आपने दिया है, वो आपने यहाँ पे दोबारा दे देना है। यहाँ पे अपना आपका जो कोड है, आप जहाँ पे जाएंगे, चूंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान का 92 जो कोड है वो यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दूंगा। इसके बाद ये आपको एक कोड सेंड करेगा, नंबर बहुत ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब ये कोड सेंड करेगा तो ये आपके मोबाइल में आएगा, तो आपको यहाँ पे वो मोबाइल अपने पास रखना है। तो यहाँ पे आप कोड सेंड कर दें, देखिए मेरे पास मेरे मोबाइल पे कोड आ चुका है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव के बटन को प्रेस कर दूंगा।
अब आपका एडिट कॉल टू एक्शन वो बटन भी लग चुका है। अब यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर और जो आपका फेसबुक बैनर है वो चेंज करना है। तो सेंटर में जो आपको राउंड एक शेप नजर आ रही है, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर का है, जो आपके फेसबुक की सॉरी जो पेज की जो पिक्चर है प्रोफाइल उसके लिए है। तो आपके कैमरा का आइकॉन नजर आ रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से आपकी जो भी आपका आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वहां पे मैं अपनी जो कंपनी का लोगो है उसकी यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, या जो भी आपको ठीक लगता है आपने वो लगा लेनी है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद आपने जो बैक साइड पे आपको ग्रे एरिया नजर आ रहा है उसके राइट बॉटम पे देखें, वहां पे भी आपको कैमरा का आइकॉन नजर आ रहा है। ये आपका फेसबुक का जो पेज है ये इसका बैनर है, तो यहाँ से आप अपना बैनर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो बैनर है एक, मैं वहां पे उसको सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा बैनर भी ऐड हो गया है। अब मेरा ऑलमोस्ट ये देखिए मेरा जो इंटरफेस है, जो फ्रंट पेज है, वो इस तरह का कुछ नजर आएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन को मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट आपका जो पेज है वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे आप पेज हेल्थ भी देखें, नीचे गुड है और यहाँ पे आप इसको डन को प्रेस कर देंगे एंड नाउ यू आर डन। आपका पेज है वो फेसबुक पेज है वो क्रिएट हो चुका है। आप अपने पेज पे अपनी पोस्टिंग करें, अपने ऐसी वहाँ पे कमेंट्स और जो पोस्ट करें ताकि वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो, लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ताकि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकें। आप उनको कमेंट्स को आपने प्रॉपरली रिप्लाई भी करना है, टाइमली रिप्लाई करना है, ताकि लोगों के साथ आपकी लॉयल्टी और रिलेशन बिल्डिंग है वो बेहतर से बेहतर होती रहे। उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपको फेसबुक पेज पे अपना प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट करना और देन अपने जो प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फेसबुक पेज अपने प्रोडक्ट का, सर्विस का, कंपनी का या खुद का इंडिविजुअल का वो बनाना भी आ गया है। YouTube चैनल बनाने के लिए आपको किसी भी डोमेन की एक ईमेल चाहिए होगी। वो YouTube पे आप Gmail की भी बना सकते हैं, आप Yahoo की भी बना सकते हैं, यानी कि कोई भी डोमेन की आपके पास एक आईडी होनी चाहिए जिसके आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो चले हम Gmail पे अपनी एक सबसे पहले आईडी क्रिएट करते हैं, फिर उस आईडी पे हम एक YouTube चैनल बनाएंगे। आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने सर्च बार में mail.google.com पे जाऊंगा और मैं वो लिखूंगा और यहां पे सर्च करूंगा। मैंने लिखा है mail.google.com, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शायद ना आए, चूंकि मैंने ऑलरेडी अपनी इतनी सारी आईडीज बनाई हुई हैं अपने डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई आईडी नहीं होगी तो यहाँ पे आपको ये सारे जो आईडीज मेरी नज़र आ रही हैं ये नहीं मिलेंगी। एनीवे आपने यहाँ पे नीचे आपको एक टैब नज़र आ रहा है यूज़ अनदर अकाउंट, यानी कि मैं इनके अलावा कोई बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन में जाना है अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आईडी है। तो मैं यूज़ अनदर अकाउंट पे गया। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो बॉक्स नज़र आ रहा है, जो अगली स्लाइड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको एक टैब यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है क्रिएट अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे आप वो लिख भी सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने नया बनाना है इस वजह से ऊपर वाली चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है क्रिएट अकाउंट। आपने इस क्रिएट अकाउंट को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ऑब्वियसली आपने अपने लिए ही बनाना है, आप माईसेल्फ पे ही जाएंगे, लेकिन आपको रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि अगर आपने अंडर 13 अपने किड्स के लिए बनाना है ताकि आप उनकी सुपरविजन कर सकें, उनके कॉन्टैक्ट्स को देख सकें, उनके जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर सकें, तो आप फॉर माई चाइल्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बिजनेस का कोई बनाना है तो वो आप माई बिजनेस भी कर सकते हैं, बट वो सारे काम आप फॉर माईसेल्फ में भी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको फॉर माईसेल्फ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फॉर माईसेल्फ। सबसे पहले मुझे ये मेरा नाम पूछेगा, मैं लिखता हूँ अहमद, और अहमद मैं डबल ई डी के साथ कर देता हूँ क्योंकि अहमद के साथ ऑलरेडी मेरा नाम बना हुआ है। और आफरीदी है तो मैं आफरीदी के भी थोड़े से स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे अहमद आफरीदी लिख दिया है। उसके बाद नीचे ऑटोमेटिक इसने मेरे नाम के हिसाब से ही मुझे ऑप्शन दे दिया है कि आप ये जो आपके पास एक ऑप्शन, आप इस नाम से अपना आईडी बना सकते हैं। ये देखें, अगर ये आप इस नाम से आपको ठीक लग रहा है, आप बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट हम जाएंगे। उसके बाद नीचे ये अवेलेबल पे इसने तीन ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। अहमद आफरीदी इस नाम से भी बन सकता है, 7536 से भी बन सकता है,
फिलहाल जीरो के साथ ही मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे यही ठीक लग रहा है, वरना आप यहाँ से जो अवेलेबल है इनसे भी इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे देना है पासवर्ड, तो पासवर्ड देने के लिए नीचे लिखा हुआ है यूज 8 आर मोर करेक्टर विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स। तो मैं करता हूँ 0, चूंकि मैंने एक नंबर डाल दिया है, और यहां पे कुछ करेक्टर्स में डाल देता हूं, और यहां पे मैं उसको कंफर्म कर देता हूं। आपको कंफर्म करना है जो भी आपने पासवर्ड डाला है। यहां पे आप पासवर्ड शो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ठीक डाला है या गलत डाला है, तो यहां पे आप शो पासवर्ड भी कर सकते हैं। यहां पे मैंने देख लिया कि मैंने क्या पासवर्ड डाला है। उसके बाद मुझे यहां पे नीचे एक टैब नजर आ रहा है नेक्स्ट का, मैंने नेक्स्ट को प्रेस करना है। जब आप नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप अपना नंबर डालना चाहें तो आप नंबर डाल सकते हैं। वैसे आप एक फ़ोन नंबर पे 3 से 4 आईडीज जो अपनी जीमेल की बना सकते हैं, वैसे आप इनके फ़ोन नंबर के बगैर भी बना सकते हैं। समटाइम ये आपको ऑप्शनल कर देता है, समटाइम आपको नंबर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डालना चाहें तो वो नंबर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मेरा अगर कोई आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, चूंकि हम पहली दफ़ा ही मैंने बताया हम बना रहे हैं तो आपके पास रिकवरी नहीं होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बर्थडे जो डेट है वो एग्जैक्टली वो यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, बिल्कुल ट्रू जेंडर सेलेक्ट करना है, चूंकि आगे आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए ये आईडी यूज़ करनी है, तो किसी किस्म की कोई फेक चीज़ आपने यहाँ पे पुट नहीं करनी। आपने बहुत ट्रुथफुल रहना है अपने क्रेडेंशियल को लेके, चूंकि आगे जाके फाइनेंस में और बैंकिंग में भी यही यूज़ होंगे। और इसकी अगर कम्युनिकेशन आपको करना पड़ गई यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, या डिफरेंट जो हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, तो उनके साथ आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन ही शेयर करना पड़ेगी, तो आपने बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट को प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे एक प्राइवेसी इसका आपको चार्ट मिलेगा, इसके रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, आपने मजबूरी है, आपने इसको एग्री ही करना है, तो मैं यहाँ पे इसको आई एग्री को प्रेस करता हूँ। देखें, अब आपके सामने हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी है, कुछ इस तरह का आपके सामने, आपको पता ही है जीमेल का इंटरफेस होगा। यहाँ पे इनबॉक्सेस, स्टार्ट और स्नूज, सेंट, ड्राफ्ट, और यहाँ पे उसके जो चैट्स हैं, स्पैम, ट्रैश, आप इनको बारे में जानते हैं। अब आपकी ईमेल क्रिएट हो गई है, अब आप इसी में ईमेल से अपना यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहां से ब्राउजर में अपने गया और यहां पे मैंने youtube.com इसकी वेबसाइट पे आया। जब मैं यहां पे एंटर करूंगा तो यहां पे देखें ऑटोमेटिकली यहां पे आपको अपनी जो ईमेल का जो आइकॉन है वो उसका फर्स्ट लेटर ये नज़र आ रहा होगा, यानी कि आपकी आईडी यहां पे क्रिएट हो चुकी है। यूट्यूब उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है। बट आप यहां पे अब उन 2 अरब लोगों का हिस्सा बन चुके हैं जो मंथली यहां पे यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। आप उन लोगों के कंटेंट देख सकते हैं, किसी भी चैनल को आप रिव्यू कर सकते हैं, वीडियोस यहां पे देख सकते हैं। यहां पे आपकी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी, यानी कि आपके पास कुछ ब्रेकिंग यहाँ पे देखें न्यूज़ की आ रही हैं, उसके बाद कुछ कॉमेडी, थ्रिल, एंटरटेनमेंट की वीडियोस। आप जिस तरह वीडियो देखते जाएंगे, ये इसका बिहेवियर यूट्यूब का आपको स्टडी करता जाएगा और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ही आपको वीडियो सजेस्ट भी करता रहेगा। बट आपका अभी तक यहाँ पे अपना चैनल कोई नहीं है, अभी आपने सिर्फ जो ईमेल अकाउंट क्रिएट करके लोगों के चैनल्स को प्रीव्यू करने की एक्सेस आपने हासिल कर ली है। चलें अब यहाँ पे अपना चैनल भी क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत आसान है, आपको कुछ भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले मैंने आपको बताया इंट्रो में कि यहाँ पे आपको करोड़ों रुपए यहाँ पे चाहिए होते थे चैनल क्रिएट करने के लिए, अभी देखें हमारे कोई पैसे भी नहीं लगेंगे और हम चैनल क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले आपने जो टॉप पे आपको अपनी आईडी का आइकॉन नज़र आ रहा है, मेरा फर्स्ट लेटर है, मैंने अहमद लिखा था, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेटर है, मैं इसको क्लिक करूंगा। ये देखें आपके पास आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस आईडी से आपने अपना चैनल क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्रिएट अ चैनल, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहां पे आप अपनी मर्जी का जो चैनल का नाम है वो यहां पे रख सकते हैं। अभी अहमद आफरीदी है, चले मैं इसका एक नाम चेंज कर देता हूं, मैं इसे लिख देता हूं अहमद आफरीदी अपडेट्स के नाम से मैंने बना दिया। और नीचे यहां पे देखें मेरा हैंडल भी यहां पे नजर आ रहा है, यूट्यूब एट
अहमद आफरीदी अपडेट्स के नाम से यहाँ पे मेरा वो जो हैंडल है वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे मैं उसकी अपनी जो डीपी की है, जिस तरह अभी यहाँ पे मैंने कोई डीपी अपलोड नहीं की, तो मेरे करेक्टर की आपको पिक्चर नज़र आ रही है, टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी कोई पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो यूट्यूब, यहाँ पे ये एक आईडी मेरी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से उसको सेटिंग कर सकते हैं। जब आपको लगे कि उसको क्रॉप वगैरह आपको जो रिक्वायर्ड एरिया जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे व्यू में नज़र आ रहा है, तो उसके बाद आपने हिट करना है यहाँ पे डन के आइकॉन को। आप डन करेंगे, यस, देखें आपकी पिक्चर क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे अब आप क्रिएट चैनल को हिट करेंगे एंड यू आर डन, आपका चैनल बन गया है। अब आप अपनी मर्जी के चैनल पे अपनी मर्जी की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बेहतरीन वीडियोस बना के, एंगेजिंग वीडियोस बना के आपने यहाँ पे डाली हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस मैं आपको बता देता हूँ। इंटरफेस के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको वो लगानी चाहिए ताकि आपको लोग आपके फेस से जानना शुरू कर दें। तो मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है जो मैंने अपनी आईडी पे लगाई है वही मैं पिक्चर यहाँ पे लगाऊँ। तो यहाँ पे मैं अपनी कोई पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ प्रोफाइल के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, आप इसको चेंज करना चाहें, जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई थी आप इसको चेंज करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे नीचे देखें अपलोड, आप यहाँ पे बैनर इमेज, जिस तरह आपने यूट्यूब का पहले आपको लगाना सिखाया, मैंने कैनवा में आपको बनाना भी सिखाया पहले, जिस तरह आप फेसबुक के आपने कवर पेज लगाया था, बिल्कुल उसी तरह आप यूट्यूब का भी यहाँ पे एक बैनर यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपलोड में जाएंगे, आप अपनी गैलरी से जहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होगा जो भी आपने रखा है इसका, वो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैसे डमी के तौर पे जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस यहाँ पे कोई लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब। चलें जी, यहाँ पे ये एक बैनर है मुझे मिल गया है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपके पास जो भी होगा आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास तीन तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे, आप जो सेंटर वाला एरिया है ये आपके मोबाइल के लिए जो नज़र आएगा, ये मोबाइल पे इतना व्यूएबल है। उसके बाद आपको दूसरा ऐसा यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है, ये आपके टैबलेट के लिए व्यू होता है, और आपका जो डेस्कटॉप वर्जन होता है यहाँ पे आपको देखें पूरे का पूरा एज टू एज आपको नज़र आता है। तो आपने इस तरह का डिज़ाइन करना है कि डेस्कटॉप पे ये पूरा नज़र आए, जब ये मोबाइल पे आपको शॉर्ट नज़र आए तो आप इसको जो है ये कोई आपका कंटेंट, आपकी इंफॉर्मेशन कोई कट ना रही हो, बस ये आपने ख्याल रखना है। नॉर्मली इसका जो साइज़ होता है वो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है 25:16:14:40, ये इसका साइज़ होता है आपका जो टीवी के लिए व्यूएबल होता है। उसके बाद आपके डेस्कटॉप के लिए जो आपका साइज़ है ये आपको नज़र आता है, और उसके बाद आपके मोबाइल और दूसरी जो टैबलेट्स हैं उनके लिए आपको ये वाला साइज़ नज़र आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डन प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपका वो जो थंबनेल है, वो जो बैनर है वो अपलोड हो गया है। उसके बाद अगर आप अपनी वीडियोस पे कोई अपने ब्रांड का वाटरमार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप वो अपलोड कर सकते हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिस पे ऑटोमेटिकली अपलोड करने से जब भी लोगों को ये दिखाए तो आपकी ब्रांडिंग के साथ दिखाए, तो यहाँ से आप अपना एक ब्रांड भी अपलोड कर सकते हैं, आपको पिक्चर हो, वो कोई लोगो हो, वो कोई टेक्स्ट हो, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप अपनी मर्जी का नाम रखेंगे, ये आपका हैंडल है, यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपका चैनल किस चीज़ के बारे में है, आपका जॉनरा क्या है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे किस चीज़ का चैनल है, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूँ, तो आपको आपने यकीनन पढ़ लिया होगा, चैट जीपीटी में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट 50 words डिस्क्रिप्शन ऑफ माय YouTube चैनल अबाउट चैनल ऑफ म्यूजिक एंड एजुकेशन। चलें जी, ये मैंने एंटर किया है, ये मुझे अब यहां पे डिस्क्रिप्शन दे देगा, ये मेरा चैनल है जी। यहां पे आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, ये मैंने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और मैं अपने चैनल पे आ गया और मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन लिख दी, वेलकम टू माई चैनल कर देते हैं, वेलकम टू माई चैनल, टू माई चैनल यूट्यूब चैनल, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आप अपना नाम भी लिखते हैं, यह आपका डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया है। उसके बाद अगर आप लैंग्वेजेस भी डिफरेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वैसे इंग्लिश काफ़ी है, इंग्लिश या उर्दू हम काम करेंगे क्योंकि इसी चैनल से हमने आगे कमाना सीखना है।
अगर आपने अपना चैनल अब लोगों को शेयर करना है कि वो इस चैनल पे आए, क्योंकि अभी आपने नया नया चैनल बनाया है तो लोगों के लिए डिस्कवर करना, सर्च करना बहुत मुश्किल है, हो सकता है उनको नजर ना आ रहा हो, या इस नाम से और भी बहुत सारे चैनल हो और उनकी रैंकिंग बेहतर हो तो ऊपर वो नजर आ रहे हो, तो आपका ये वाला जो लिंक है ये आपके चैनल का URL लिंक है, आपने इसको यहां से कॉपी करना है, उसके बाद किसी को भी आप अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे ये शेयर कर सकते हैं कि लोग आपके चैनल को देखें, व्यू करें और अपने कमेंट दें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लिंक भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरे पास कोई वेबसाइट का लिंक है तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकता हूँ। यकीनन आपके पास अभी नहीं होगा तो आप नहीं डालेंगे, तो लेकिन मैं यहाँ, मेरे पास है तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एक लिंक डाल देता हूँ। बस काफ़ी है जी इन्फॉर्मेशन, ये आपका हो गया है। मैं अब आपको लेआउट के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे लेआउट पे सबसे पहले आपको ना एक अपनी वीडियो डालनी पड़ेगी, यानी कि वो आपके चैनल की ब्रांडिंग होगी, वो आप वीडियो आपके चैनल को डिस्क्राइब कर रही होगी कि आपका चैनल किस चीज़ के बारे में है। चूंकि अभी मैंने आपको वीडियो बनाना नहीं सिखाया तो मैं उस पर नहीं जा रहा, जब भी कोई वीडियो होगी तो सिंपली आप यहाँ पे चैनल ट्रेलर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ये उनके लिए होगी कि वो बजाय कि पूरा चैनल आपका सर्च करें, वो सिंपली आपकी ये वीडियो देखेंगे जिसमें आपने पूरा बता दिया होगा कि ये चैनल किस चीज़ के बारे में है, तो यहां से वो आप ऐड करेंगे और जो भी वीडियो आपने सेलेक्ट की होगी वो आप यहां से उसको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन आ जाता है कि जब वो आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने आपको लाइक कर लिया होता है, जो वो वापस आपके पेज पे आते हैं, तो उनको सबसे पहले जो फीचर वीडियो, हाईलाइटेड वीडियो वो कौन सी मिलेगी, वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद बता सकते हैं कि जो नए लोग मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हैं तो उनको वो कौन सी वीडियो दिखाए। उसके बाद यहां पे कुछ सेक्शंस होते हैं, यानी कि आपके चैनल का जो लेआउट है उसके डिफरेंट सेक्शन होते हैं, वो भी अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे चैनल का लेआउट कैसे होता है। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास दूसरे चैनल हैं, तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट स्विच करके आपको जो दूसरे मेरे चैनल है मैं उन पे जहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा एक और चैनल है अहमद अफरीदी ऑफिशियल के नाम से, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे जब मैं इसके इसको मैनेज करने पे जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा टॉप पे जो मैंने बैनर लगाया था, ये मेरा बैनर लग गया है, ये मैंने अपनी प्रोफाइल आईडी लगाई थी, ये मेरी प्रोफाइल आईडी लग गई है, ये ऑलरेडी मैंने एक चैनल बनाया था, ये वो वीडियो है जो मुझे डिस्क्राइब करती है कि ये किस चीज़ का वीडियो है, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने रखी है। आप ये वीडियो वक्तन फोक्तन चेंज भी कर सकते हैं। जो मैं लेआउट्स की बात कर रहा था, यहाँ पे देखें जो मैंने लेआउट्स यहाँ पे फीचर सेक्शन आपकी बात कर रहे हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली ये हैं कि देखें सबसे पहले आपको पहला सेक्शन मिल रहा है पॉपुलर वीडियोस का, यानी कि आपने एक सेक्शन बना दिया कि जो आपके चैनल की सबसे ज़्यादा जिन पे व्यूज़ आए हुए हैं वो उनका एक सेक्शन आ जाए ताकि वो टॉप पे लोग देखें। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे डाला हुआ है मल्टीपल प्लेलिस्ट, यानी कि मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, कुछ मैंने फोटोशॉप की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने एक मोजो कोर्स है मोबाइल जर्नलिज्म उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वाइट बोर्ड की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके बाद एडोब प्रीमियर की है, उसके बाद म्यूजिक की है, तो इस तरह डिफरेंट करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और फिर उसके बाद वीडियोज हैं, यहाँ पे मैंने जो वीडियोज डाली हुई हैं, फिर उसके बाद जो मैंने कुछ शॉर्ट्स होते हैं उसके मैंने एक अलग से कैटेगरी बना दी है, यानी कि जिस तरह आप दुकान पे शेल्फ्स बनाते हैं उसी तरह आप यहाँ पे शेल्फ बना सकते हैं। तो आइए वापस हम उसी पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको शॉर्ट वीडियो नजर आ रही है, तो आप यहाँ पे एड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सबसे पहले आपके चैनल पे क्या है। तो मैंने यहाँ पे पॉपुलर वीडियोज इसको सेलेक्ट कर दिया है, देखिए नीचे आ गया है, ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो और वीडियो सिलेक्टेड हैं, तो आप इनको यहां से पकड़ के इनके ऑर्डर को चेंज भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं और आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि वीडियोस का अगर मैं नहीं चाहता हूं तो यहां पे मैं सेक्शन रिमूव भी कर सकता हूं। तो यहां से आप अपने डिफरेंट सेक्शन भी डाल सकते हैं, अगर आपने लाइव वीडियोज का एक सेक्शन बनाना है तो आप लाइव वीडियोज कर सकते हैं, पास्ट लाइव स्ट्रीमिंग का कर सकते हैं, अपकमिंग का कर सकते हैं, सिंगल प्लेलिस्ट कर सकते हैं, आप नई प्लेलिस्ट कोई अपनी क्रिएट करना चाहें तो वो क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट प्लेलिस्ट वो बन जाएगी। उसके अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे जितनी आपकी वीडियोस अपलोड हुई होंगी वो यहाँ पे आपको वो नजर आ रही होंगी, उस चैनल पे सब्सक्राइब और उस चैनल पे टोटल व्यूज कितने आए हैं, टोटल लोगों ने कितने घंटे देखा है, वो यहाँ पे आपको उसके एनालिटिक्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे उसकी न्यूज़ के अपडेट्स, यानी कि जो आपको YouTube है वो आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करता है, नए अपडेट्स आपको एक्नॉलेज करता है ताकि उसके मुताबिक आप अपने चैनल को ग्रो कर सकें, उसकी यहाँ पे आपको फीड्स मिल रही होती है। उसके बाद कंटेंट में उसी तरह आपको डिफरेंट वीडियोज़ और उनके जो स्टैट्स हैं वो आपको इंडिविजुअली मिल रहे होते हैं, वीडियोज़ के मिल रहे होते हैं, लाइव जो आपने पहले जो आपने सेक्शन बनाया था
मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, मैंने पॉडकास्ट का एक बनाया था, तो यहाँ पे डिफरेंट आप कैटेगरी के हिसाब से अपनी वीडियोस के स्टैट्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे कि किस वक्त किस घंटे में कहाँ से किस उम्र के किस जेंडर के लोगों ने यहाँ पे आपको देखा है, यहाँ पे आपको वो मिलेगा। मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ दिखाना चाहूँ अपने एक चैनल की, तो यहाँ से आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपने चैनल पे गया और यहाँ से मैंने उसको मैनेज वीडियो में जाके यहाँ पे देखें, मैंने जिस तरह आपको बताया था ये मेरा डैशबोर्ड में है, इस तरह आपकी वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आपको सब्सक्राइबर नज़र आ रहे हैं, कितने लोगों ने आपको देखा है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट है, किस तरह नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आप अपलोड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद एनालिटिक्स की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे ओवरऑल एनालिटिक्स आपको बता रहे होते हैं कि आपके चैनल पे टोटल कितने व्यूज़ आए हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपको व्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे आपको टोटल व्यूज़ मिल रहे होते हैं, यहाँ पे आपको वॉच आवर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही होती है, और यहाँ पे जो आपने अर्निंग की होती है ये अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रही होती है। उसके बाद इस एक आपको नीचे कॉमेंट्स आ जाता है, तो कमेंट में जितने लोगों ने आपको कमेंट किया होता है यहाँ पे वो सारी लिस्ट आ जाती है। अगर आप इनको यहाँ पे रिप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, उनको रिएक्शन शो कर सकते हैं, या इनको डिलीट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट्स के कुछ आपको इश्यूज आते हैं, आपने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आपको फ्री टू यूज़ होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कॉपीराइट के कुछ इश्यूज आएंगे तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहीं पे आप अपने इश्यूज़ डिस्प्यूट वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और आपको भी यहीं पे अगर कोई स्ट्राइक आ गई तो यहीं पे उसकी अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अर्निंग ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ों पे अर्निंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपने पेजेस को एक्टिव भी किया हुआ है और मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को भी एक्टिव किया हुआ है, और शॉपिंग को भी अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ ही मिलकर यहाँ पे अब शॉपिंग भी यहाँ पे एक चैनल के साथ एक्टिव करने जा रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, आप अपने चैनल को जो मैंने आपको बताया पहले मैंने अपनी वीडियो लगाई हुई थी जो हम पहले बता चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो फीचर वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, जो भी मेरी रिसेंट जो लेटेस्ट वीडियो होती है वो नज़र आ रही होती है, और ये वो सेक्शन है जो मैंने अपने चैनल पे लिए चैनल पे लगाए हैं लोगों के लिए कि जब कोई भी बाहर से लोग मेरे चैनल को व्यू करें तो उनको ये चार सेक्शन नज़र आने चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले किसके अपने चैनल का व्यू करवाया है, मैं वापस उस पर आ रहा हूँ। तो ये मेरे चैनल का ओवरऑल एक व्यू है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे मेरी जो मास्टर वीडियो है, यहाँ पे उसके बाद अपने अबाउट में जाके अपना पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे लिखा था, उसके बाद यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाल दी है, लिंक्स जिस तरह मैंने वेबसाइट का डाला है आप यूट्यूब का भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी डाल सकते हैं, ट्विटर का भी डाल सकते हैं, और अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। मेरे चारों अकाउंट्स थे तो मैंने चारों को चारों यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम की ऐप चाहिए होगी, तो ऐप के लिए आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे टॉप पे जो दी गई सर्च बार है वहाँ पे आप इंस्टाग्राम लिखेंगे। आई एम श्योर ये वाला प्रोसेस आपको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता ये उनके लिए प्रोसेस है। आप इंस्टाग्राम लिख के आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐप आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने अभी इस वक्त ग्रीन टैब में ओपन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो इस वजह से है कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा और आपने इसको क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद एग्जैक्टली जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं ओपन वाली, इस तरह की ओपन वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तकरीबन 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। जैसी वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसी जहां पे ओपन लिखा हुआ है इंस्टॉल की जगह दोबारा वापस आपको ओपन नज़र आना शुरू हो जाएगा। वंस ये यहां तक आपकी स्क्रीन आ जाए तो आपने अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए जो ओपन का टैब है मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। इसको क्लिक करने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपको मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी कि सेंटर में आपको एक डीपी मिलेगी। ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है अहमद ए डायरेक्टर के नाम से, ये वहाँ पे है, लेकिन चूंकि मैं आपको पहले अकाउंट बना हुआ है उसको सिर्फ आपने इग्नोर करना है, आपने एक नया क्रिएट अकाउंट करना है। तो बिल्कुल बॉटम पे जहाँ पे मेटा लिखा हुआ है स्क्रीन की बॉटम पे, वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। ऊपर वाली जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ पे मेरी डीपी लगी हुई है, जहाँ पे मेरा हैंडल अहमद ए डायरेक्टर आपको नज़र आ रहा है, लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है या लॉगिन टू अनदर अकाउंट ये लिखा हुआ, आपने इसको इग्नोर कर देना। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ऊपर वाली जो मेरा अहमद ए डायरेक्टर लिखा हुआ है अगर मैं लॉगिन पे जाऊंगा तो वो ऊपर वाला लॉगिन
ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे पासवर्ड सेव है। और अगर मैंने एक से ज़्यादा अकाउंट बनाए हुए हैं तो मैं लॉग इन टू अनदर अकाउंट को क्लिक करके दूसरे अकाउंट्स में भी अपना लॉगिन कर सकता हूँ। लेकिन ये ऑलरेडी जो मेरे क्रिएटेड अकाउंट हैं ये उनकी बात हो रही है, हमने चूँकि अभी इंस्टॉल किया हुआ है, आपने भी अभी इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास कोई अकाउंट नहीं होगा, तो हमने क्रिएट न्यू अकाउंट के टैब को यहाँ पे नीचे दिए गए टैब को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने मोबाइल नंबर से भी अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप किसी ईमेल के जरिए भी अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे जो ईमेल वाला ऑप्शन है इसको पिक कर रहा हूँ, मैं मोबाइल नंबर से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं साइन अप विद ईमेल एड्रेस जो मेरा टैब लिखा हुआ है इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना ईमेल दूंगा, जो भी आपका जो ईमेल होगा वो आप दे देंगे। मैंने अपना यहाँ पे ईमेल जो भी मेरा होगा वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप यहाँ पे अब अपना ईमेल लिखेंगे, जो भी आपका ईमेल है, मेरे पास जो ईमेल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन को प्रेस करूंगा। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास जो अगली स्क्रीन आएगी वहाँ पे एक कोड आपको दिया जाएगा। इसी मेल पे जो इंस्टाग्राम वाले आपको एक कन्फर्मेशन कोड भेजेंगे, वो कोड आपने कॉपी करना है अपनी जीमेल से और यहाँ पे वो डालना है। तो मेरे पास कोड आ चुका है तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद कोड डालने के बाद आप यहां पे नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। यहां पे आप अपना फुल नेम, जो भी आप अपना नाम यूजर नेम डालना चाहते हैं वो आप डालेंगे। तो यहां पे मैं, ये यूजर नेम नहीं है, यहां पे आप अपना जो नाम है वो आप यहां पे टाइप करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड एटलीस्ट 6 लेटर का होगा, उसमें नंबर भी हो सकते हैं या उसमें आप कैप्स और स्मॉल लेटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको याद रहे और वो चोरी होने का डर ना हो तो आप पासवर्ड रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप यहां से नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। अब यहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपने दी है पासवर्ड की और लॉगिन की, वो आप सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं, आप अभी सेव नहीं करना सकते तो आप नॉट नाउ को भी क्लिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहां पे इसको सेव कर रहा हूं। यहां पे आप अपनी ट्रू डेट ऑफ बर्थ देंगे, चूंकि अगर आपने गलत डेट ऑफ बर्थ दे दी तो चूंकि आगे जाके ये आपका बिजनेस के लिए अकाउंट यूज होना है तो वहां पे बहुत सारी चीजें कंफर्मेशन में आपको देनी पड़ेंगी और वहां पे अगर आप पकड़े गए कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत दी थी तो हो सकता है कि आपका मोनेटाइजेशन में या इसको आपका जो अकाउंट है वो सस्पिशियस डिक्लेयर हो जाए और वो एलिजिबल ना रहे मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आपने जो भी ट्रू इन्फॉर्मेशन है आपने अपनी वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने डाल के नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप अपना एक यूज़र नेम भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मुझे ऑलरेडी जो सजेस्टेड दिया गया है ahmed.afridi.director ठीक लग रहा है, चूंकि ये मेरा ईमेल भी कुछ इसी तरह का है तो मुझे ये ठीक है, याद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसी को ही ओके करके नेक्स्ट को प्रेस कर दूंगा और अगर आप कोई और रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे यूज़र नेम दे सकते हैं। फिलहाल मैंने नेक्स्ट को प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं, ये मैंने भी नहीं पढ़ी, आप भी नहीं पढ़ें, आप बस इसको एग्री कर दें। चूँकि एग्री नहीं करेंगे तो ये आपको अकाउंट क्रिएट करने नहीं देगा। सो आपको पसंद आए उनकी पॉलिसीज़ या ना आए, आपको ये एग्री करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको आई एग्री को क्लिक करता हूँ।
अब ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास वो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहें तो अपनी पिक्चर आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन प्रेस करता हूँ। ये इसको आगे जाके हम आपको बताएंगे कि आप इसको जब अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपनी वो जो प्रोफाइल सेटअप है वो कैसे बनाएंगे, ये अभी थोड़ी देर बाद हम जाके देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड नहीं कर रहा हूँ और स्किप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक वेलकम मैसेज आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप फेसबुक से अगर आप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेके आना चाहें तो वो भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इस ऑप्शन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। इस ऑप्शन से मुराद मेरी ये है कि अगर फेसबुक के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आपके लिए सर्चेबल होंगे और आप उनको यहाँ से इनवाइट भी कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम देखेंगे। फिलहाल मैं स्किप के ऑप्शन को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं स्किप प्रेस कर रहा हूँ और इधर से भी मैं स्किप प्रेस कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें हम जब प्रोफाइल सेट करेंगे तो वहाँ पे बड़ी डिटेल में समझ के साथ हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे ये मुझसे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास कि मैं अगर कुछ लोगों को फॉलो करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ फॉलो। यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट है, ये मेरे इंटरेस्ट एज के हिसाब से यहाँ पे मुझे वो सजेशन दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो किसी एक को आप फॉलो कर भी सकते हैं। जिस तरह पहले आप पे देखें जो नंबर वन पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो यहाँ पे सामने लिखा फॉलो, तो मैं इसको प्रेस करूँ तो अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं एक जो लोग हैं मैं उनको फॉलो भी कर रहा हूँ। ये मेरा जो प्रोफाइल है वहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट के टॉप पे दिए गए एरो के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट इनको बता सकते हैं। ये आपको क्यों बताना ज़रूरी होता है कि इसके हिसाब से ही फिर वो आगे आपको फीड दिखाएगा, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको वो चीज़ें दिखाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना इंटरेस्ट बहुत सोच समझ के बताना है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा इंटरेस्ट है मैं यहाँ पे उनको क्लिक कर देता हूँ। सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद मैंने टीवी पर्सनैलिटीज़ को क्लिक कर दिया है, कॉमेडी को भी क्लिक कर दिया है, स्पोर्ट्स में मैंने फुटबॉल और बेसबॉल को क्लिक कर दिया है। इसी तरह स्किन एंड बॉडी केयर, म्यूज़िक में मैंने पॉप को क्लिक कर दिया है। और उसके बाद अगर आप जितने भी करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप सबको भी क्लिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने कुछ आपके सामने कर दिए हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन को प्रेस करूंगा और यहाँ पे देखें बिल्कुल आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे चूंकि मैंने ऑलरेडी एक फीड, आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो किया था, तो उसी की पोस्ट सबसे पहले मुझे यहाँ पे फीड में नज़र आ गई है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फीड में जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, जो भी आपने इंटरेस्ट थोड़ी देर पहले सेलेक्ट किए हैं उसके मुताबिक नज़र आती हैं। तो यहाँ से आप देखें, आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए थे एक्टर्स के, ड्रामा के, सेलिब्रिटीज़ के, उन्हीं की यहाँ पे सारी पोस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे सेटअप करेंगे। अब हमारी जो हमारा अकाउंट है वो आपके सामने यहाँ पे देखें बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपना जो प्रोफाइल है उसको सेटअप करना है। तो प्रोफाइल को सेटअप करने के लिए आपको नीचे बॉटम ऑफ द स्क्रीन राइट साइड पे अगर आपको देखें, आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है और वहाँ पे आइकॉन एक नज़र आ रहा है मोस्ट राइट पे, आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये वाली स्क्रीन है, ये आपका मेन डैशबोर्ड है, ये मेन आपकी स्क्रीन है आपके अकाउंट की, जहाँ पे आपने जो आपका यूज़र नेम था अहमद आफरीदी वो लिखा हुआ है। उसके बाद सामने पोस्ट आपने अभी तक कोई भी नहीं की हुई, वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फॉलोअर्स आपके कोई भी नहीं है और आपने एक सेलिब्रिटी को फॉलो किया है तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक। तो उसके नीचे आपको अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा है एडिट प्रोफाइल। तो हमने ये अब समझना है कि आप अपनी आपकी जो प्रोफाइल है उसका सेटअप आप कैसे कर सकते हैं। तो वो आपको एडिट प्रोफाइल में सारा कुछ मिलेगा। तो हम एडिट प्रोफाइल को यहाँ पे क्लिक करते हैं। एडिट प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपने दी हुई थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह मैंने नाम दिया हुआ था अपना अहमद आफरीदी, उसके बाद मेरा यूज़र नेम था अहमद डॉट आफरीदी डॉट डायरेक्टर।
तो अब यहाँ पे देखें आपका जो नेम आ गया है, आपने यूजर नेम अपना लिख दिया है, उसके बाद नीचे बायो का टैब है। तो अगर अपने बारे में बायो में लाजमी आपको लिखना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में चैनल है, आपने चैनल क्यों क्रिएट किया हुआ है, आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने लाजमी डालना है। तो यहाँ पे मैंने अपने बारे में जो बायो है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप चैट जीपीटी से बड़ा अच्छा अपने बारे में कुछ अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के वो बायो बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी बायो पेस्ट कर दी है, उसके बाद में टॉप पे दिया गया टिक है इसको प्रेस करूँगा। उसके बाद आप यहां पे अपना कोई लिंक भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी, अगर आपके पास लिंक, मिसाल के तौर पे क्या आप फेसबुक का कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो वो आप सारे आप लिंक यहां पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर को आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसको टिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट में आप जाएंगे। तो आप उसके बाद आप देखें टॉप पे आपको एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टिक, आपने अपनी पूरी बायो मुकम्मल कर ली है। अब आपने सिर्फ अपना एडिट पिक्चर जो है उसको क्लिक करके अपनी यहाँ पे एक पिक्चर भी आपने डाल दे देनी है। टॉप ऑफ द स्क्रीन अगर आप देखें तो एडिट पिक्चर का ऑप्शन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर टॉप पे आपको एक सर्कल भी नज़र आ रहा है, आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्क्रीन आपको नज़र आ जाती है कि आप जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आप फेसबुक से लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से क्लिक कर ले सकते हैं, और अगर आप अपनी गैलरी से लेना चाहते हैं तो आप टॉप वाले जो पहला ऑप्शन, आप इसको क्लिक करके अपनी गैलरी से, यहाँ से ऑलरेडी मेरे पास एक गैलरी में मेरी एक पिक्चर है वो मैंने इसको सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद आप जो राइट साइड पे टॉप राइट पे एरो का निशान है आप इसको प्रेस कर देंगे। यहाँ से आप उसको अगर आप कोई टोन देना चाहें, डिफरेंट फिल्टर्स में आप टोन भी दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है, और अगर नहीं दे सकते तो नहीं देना चाह रहे टोन, तो आप उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के एरो को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो भी अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ तक मेरी प्रोफाइल भी मुकम्मल हो चुकी है। पहले अभी तक हमने समझ लिया है कि आप इंस्टॉल करके आप अपना साइनअप कैसे करेंगे, साइनअप करके आप जब अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद अपने प्रोफाइल को सेटअप कैसे करेंगे, यहाँ तक हमने वो भी देख लिया है। अब हम देखते हैं कि आप जो आपका जो अकाउंट था जो कि आपने पर्सनल अपना बनाया था, इसको आप बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपने दोबारा उसी तरह जहाँ पे आप पहले गए थे, एडिट प्रोफाइल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने एडिट प्रोफाइल को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नीचे जो बॉटम पे इंफॉर्मेशन दी गई है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से क्या होगा कि जो आपकी कुछ मालूमात होंगी ये आपको देनी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स होंगे 4 से 5 वो आपको कवर करना है, और उसके बाद आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट में उतने फीचर्स नहीं होते, जैसे कि आप इनसाइट्स नहीं देख सकते, आप डिफरेंट लिंक्स अपलोड नहीं कर सकते, आप जो डिफरेंट कॉल टू एक्शंस होते हैं वो नहीं डाल सकते अपनी पोस्ट के नीचे, आप एड्स नहीं लगा सकते। तो इसी तरह आपको जो पर्सनल होता है उसमें लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल अकाउंट बना के फिर उसको आपने अपने बिजनेस अकाउंट में करना है, ताकि वहाँ पे आप एड्स लगा सकें, कॉल टू एक्शन लगा सकें, आप इनसाइट्स देख सकें हर पोस्ट की कि कितने लोगों ने देखा, किस वक्त देखा, किस जेंडर के लोगों ने देखा, किस उम्र के लोगों ने देखा, ये सारी इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन एनालिटिक्स आपको बिजनेस प्रोफाइल में मिलेंगी। तो यहाँ पे आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ से आपने नीचे दिए गए कंटिन्यू के टैब को प्रेस करना है, तो ये आपके सामने दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहाँ पे वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास आप अपने फॉलोअर्स के बारे में इनसाइट्स बहुत ही डिटेल्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने दोबारा नेक्स्ट को प्रेस किया तो यहाँ पे बताया कि आप अपने ऐड क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों तक अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा मैंने कंटिन्यू को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आप कॉन्टैक्ट बटन यहाँ पे बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कॉल टू एक्शन होता है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे कंटिन्यू को प्रेस कर रहा हूँ। कंटिन्यू को प्रेस करने के बाद ये आपके बारे में कुछ मालूमात मांगेगा इंस्टाग्राम, ताकि आपके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास हो और वो फिर आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वो गाइड भी करे और सजेस्ट भी करेगी। तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं। तो आप चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि आप जो भी हैं मुझे नहीं पता आप क्या हैं, जो आप हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके स्क्रॉल करके आप उसको अपने बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट पे वीडियो क्रिएटर का ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको
डन कर देता हूँ। आप सर्च बार में भी लिख के अपने बारे में ये ढूंढ सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी कि आप क्रिएटर हैं बेस्ट फॉर पब्लिक फिगर्स कंटेंट, या आप बेस्ट फॉर रिटेलर्स हैं, लोकल बिजनेस हैं, ब्रांड हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हैं। तो आप बेस्ट क्रिएटर भी हो सकते हैं, आप अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है तो आप वो भी हो सकता है। जब आप बिजनेस को प्रेस करेंगे तो आपको फिर कंपनी की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे चूंकि मैंने ऑलरेडी अपने आपको वीडियो कंटेंट क्रिएटर ही बताया, तो यहाँ पे मैं क्रिएटर का ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट के बटन को प्रेस करूंगा। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आएगी, ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कि आप अपनी जो सेव जो सेटिंग्स है आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो हम आगे जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको हम ओके को प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको जो प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं, अगर आपके दिए गए ईमेल पे अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिलती रहे तो आप इसको ऑन कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप लेना चाह रहे जो प्रमोशनल ईमेल, जो आपकी नई इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, नए अपडेट्स होते हैं, तो अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो ऊपर टॉप पे दिए गए ब्लू आइकॉन को आप ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ऑन ही रखा हुआ और नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर रहा हूं। ये आपके पास आपके कुछ लॉगिन्स की अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है कि अगर आप एक ही जगह से इसको एक्सेस करना चाहें या आप अलग अलग करना चाहें। तो फिलहाल मैं इसको नॉट नाउ को प्रेस कर रहा हूं, चूंकि मुझे अभी चूंकि मैंने आपको बताया है कि अभी हमने पहली दफा खोला है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं और नहीं पता कि आपने क्या करना है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो बाद में इसको एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप देखें आपका जो जो सेटअप है वो स्टार्ट शुरू हो गया है। आपको यहाँ पे 6 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप है आपके सामने, आपके सामने लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, 1 of 6 स्टेप्स टू कंप्लीट। तो सबसे पहले अपने गेट इंस्पायर्ड को मैंने क्लिक किया, तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। ये कुछ आपके आपको वो ऑप्शंस सजेशंस दे रहा है, इनको आपको फॉलो करना होगा। तो मैं यहां पे सबको फॉलो कर रहा हूं। जो आप चाहता है कि जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, आपके इंटरेस्ट को, आपके बिजनेस को सूट करता है, आप उनको यहां पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फॉलो करने के बाद जितने भी आप 2, 4, 3 या सारे करना चाहें, उसके बाद आपको टॉप पे दिए गए टिक के बटन को प्रेस करना है। तो आपका ये देखें पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे अब आपके सामने आ गया है नंबर 2, ग्रो योर ऑडियंस, आपने इसको क्लिक करना है। यहां पे आप अपने दोस्तों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं वाया SMS, वाया WhatsApp, आप उनको ईमेल के जरिए इनवाइट कर सकते हैं, और आप उनको शेयर या फॉलो कॉन्टैक्ट के जरिए भी इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ही कुछ ऑप्शंस आते हैं, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है। तो मुझे तो पहले ही है कि इनवाइट फ्रेंड वाया व्हाट्सएप, आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इनवाइट कर देता हूँ इनको। ये देखें यहाँ पे इनको मैंने इनवाइट कर दिया है, और वापस मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। तो अब ये देखें टॉप पे आपको टिक का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया है, आपने इसको प्रेस करना है। तो देखें आपके 2 steps 6 में से कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे 3 out of 6 जो स्टेप्स है, तो वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने यहाँ पे अपना जो शोकेस ब्रांड कर सकते हैं, अपना मिशन या आपके पास जो कोई आइडिया है उसको आप यहाँ पे आपको पोस्ट करना है। तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगी ताकि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, आप अपने मिशन के बारे में बता सकें। तो मैं यहां से क्रिएट पोस्ट को क्लिक कर रहा हूं, और यहां पे आपके पास कोई अगर पोस्ट है, चले मैं एक पोस्ट यहां पे क्लिक कर देता हूं। ये एक पोस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है, और इसको अब मैं नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर रहा हूं। यहां पे इस पोस्ट के बारे में मैं जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कोई भी डिस्क्रिप्शन, मेरे पास ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। चलिए जी, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख ली है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे टिक के बटन को प्रेस कर रहा हूँ।
ये प्रॉपर पोस्ट कैसे होगी ये अगले लेक्चर में हम बड़ी डिटेल में जाके एक एक स्टेप देखेंगे कि ये पोस्ट में बाकी फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने उनके जो 6 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वो जब मैंने इसको टिक को प्रेस किया तो वो पूछ रहा है कि आप इसको चाहते हैं अगर ऑटोमेटिकली शेयर फेसबुक को, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर टू इंस्टाग्राम ओनली भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे करें। तो चूंकि मैंने अभी पूरी तरह इस पोस्ट पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो नहीं डाली, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरी जो इनकम्प्लीट डिटेल के साथ पोस्ट वो मेरे फेसबुक पे भी शेयर हो। तो मैं यहाँ पे दिया गया जो दूसरा ऑप्शन है शेयर टू इंस्टाग्राम ओनली, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मेरा आप देखें, अब यहाँ पे पोस्ट वो फिनिशिंग अप हो चुकी है। अब आपके सामने टॉप पे वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है 3 out of 6, आपने इसको क्लिक करें तो आपके साथ में देखें आपने 3 अपने ऑप्शंस वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपके पास आ जाता है वो आ जाता है एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट्स, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं अपने इनसाइट्स, क्योंकि अभी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, वैसे आप क्लिक करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको दिखा रहा होता है पोस्ट के, आपकी पोस्ट कितने लोगों तक गई, कितने लोगों ने इसको इंगेज किया, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को फॉलो किया, उस पोस्ट पे कितने जो रिएक्शंस आए वो सारी हैं, और कितने दिनों की इन्फॉर्मेशन है ये आगे जाके हम इंस्टाइट्स बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर नीचे आपको एड्स लगाना है तो उसके ऑप्शंस भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हमने तो अपना स्टेप्स मुकम्मल करने हैं, तो मैंने टॉप पे दिया गया टिक है, इसको प्रेस कर देना है। तो अब ये देखें आपके 4 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपने अगला बताना है टेल अस योर गोल्स, तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जो पर्पस है, आपका जो फाइनल टारगेट है, आपका जो आइडिया है, जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या है, वो क्या रीच है, क्या वो मीडिया एंगेजमेंट है, वो शॉप एंगेजमेंट है, मैसेजेस हैं, लीड्स हैं, वेबसाइट विजिट है, कॉल है, टेक्स्ट है या ईमेल्स है। तो मैं रीच को क्लिक कर लेता हूँ। रीच को क्लिक करके मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे मैसेजेस, उसके बाद लीड्स को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने ये लीड्स और मैसेजेस को क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देता हूँ। फिर आ जाता है आपके पास ऑप्शन, पूछता है कि हाउ वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद द पीपल, आप मैसेजेस के जरिए लोगों से रابطہ रखना चाहते हैं, आप कमेंट्स के जरिए, लीड्स के जरिए, कॉल्स के जरिए, टेक्स्ट के जरिए या ईमेल्स के जरिए। तो मैंने कमेंट्स के जरिए अपना सेलेक्ट किया है और उसके बाद आप डन को प्रेस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे 6 के 6 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो नीचे दिया गया बॉटम लास्ट राइट पे जो आइकॉन है, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर आपको नज़र आ रही है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मेन डैशबोर्ड है वो आपको नज़र आ गया। आप देखें आपका जो पर्सनल अकाउंट था वो बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब बिजनेस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आइंदा आने वाली जो भी आप पोस्ट करेंगे उसके बारे में कंप्लीट इनसाइट्स, डिटेल्ड एनालिटिक्स आपको मिल रहे होंगे, कितने लोगों ने आपको देखा, कितने लोगों ने एंगेज किया, आपकी जो भी इंडिविजुअल पोस्ट होंगी उसने कैसा परफॉर्म किया है, कहाँ पे परफॉर्म किया है, रीजन कहाँ पे आपके बेहतर हैं, आपका जो पीक टाइम है वो कैसा है, वो दिन में आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या रात के टाइम में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर में सबसे टॉप पे आपको एक बार नजर आ रही होगी, यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम ट्विटर लिखेंगे और वहां पे उसके सामने आपको एक ग्रीन बटन पे एक आइकॉन नजर आ रहा है, उस पर लिखा हुआ इंस्टॉल, आपने उस इंस्टॉल को प्रेस करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बिल्कुल जल्दबाजी यहां पे नहीं करनी है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा यहां पे ऑटोमेटिक आपके पास एक साइन आ जाएगा ओपन का। ओपन के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ट्विटर की जो फर्स्ट स्क्रीन है वो आ जाएगी। सबसे पहले आपको जो नजर आएगी स्क्रीन उस पर लिखा होगा सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और नीचे लिखा होगा, दो ऑप्शन आपके पास नजर आ रहे होंगे कि आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ इसको कंटिन्यू करना है या आप अपना नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं। चूंकि हमने हमारा अकाउंट यहां पे नहीं है तो हम सबसे पहले अपना एक ट्विटर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो एक नीचे टैब पे क्रिएट अकाउंट का टैब है, हम इसको प्रेस करेंगे। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे हर तरह की लैंग्वेज का ऑप्शंस हैं, सर्च लैंग्वेज में जो आपको बाहर नजर आ रही है वहां पे आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली यहाँ पे इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश
और जो इंग्लिश है, ये दो ऑप्शन है। अब आइडियली दोनों को चेक रखें और नेक्स्ट के बटन को आप प्रेस करेंगे। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो नीचे डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, यानी इन दोनों लैंग्वेजेस में आपकी प्रेफरेंस लैंग्वेज कौन सी है, आप उसको चेक करेंगे। मैं यहां पे इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूं और फिर नीचे नेक्स्ट के टैब को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं नेक्स्ट के टैब को प्रेस करूंगा तो अगली स्क्रीन मुझे क्रिएट योर अकाउंट की नजर आ रही होगी। उसमें मुझे अपना नाम डालना है, अपना फोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस वो डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा, या तो आप अपना फोन नंबर डालें या बिल्कुल स्क्रीन की बॉटम पे देखें, आपके जो राइटिंग पैड है इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा यूज ईमेल इंस्टेड। तो अगर आपने अपना ईमेल डालना है तो आप ईमेल भी डाल सकते हैं। मैं चूंकि मेरा ईमेल ऑलरेडी बना हुआ है तो अपना यूज ईमेल के टैब को सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा। ये एक बहुत ही पेशेंस के साथ आपने इस प्रोसेस को करना है। जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज आपने नहीं डालनी ताकि स्पेल गलत ना हो जाए या पासवर्ड जो आपने डालना है वो गलत ना हो जाए। तो आपने बहुत आराम से इन चीजों को फिल करना है। तो यहां पे मैंने अपना ईमेल जो है एड्रेस वो डाल दिया है। देन मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे जरूरी है कि आप अंडर 18 नहीं होंगे। अंडर 18 होंगे तो ये आपको एक पेरेंटल चेक दे देगा, जिसकी मेरे ख्याल से आपको फर्दर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो आप अंडर 18 नहीं हैं, ये आप अपनी ईमेल एड्रेस, अपनी जो एज से है वहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और नेक्स्ट के बटन को मैंने प्रेस किया है। अगली स्क्रीन है मेरे पास कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि ट्विटर की जो कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ पर्सनलाइज सेटिंग हैं, उसकी सेटिंग्स हैं, उसको मुझे एक ब्लू छोटे से चेक बॉक्स को क्लिक करना है। वो ऑलरेडी चूंकि क्लिक है तो यहाँ पे नीचे बॉटम पे मेरे पास नेक्स्ट का टैब है, मैं इस नेक्स्ट को प्रेस कर दूंगा। ये आपके पास स्क्रीन आ गई है, जो आपने अपनी रिसेंट इन्फॉर्मेशन इसमें डाली थी वो आपको दिखा रहा है। अगर ये बिल्कुल ठीक है और आप इसको ओके करते हैं, आप इसको कंफर्म करते हैं, अपने नेम को, ईमेल एड्रेस को और अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, तो नीचे आपको ब्लू आइकॉन में साइन अप लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको प्रेस करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। आपने इसको ऑथेंटिकेट भी करना है, आपने इसको प्रेस करना है। यहां से कुछ आपको वो थोड़ी सी असाइनमेंट देगा ताकि आप रोबोट तो नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए ये कुछ आपसे सवाल पूछेगा। यहां पे अगली स्क्रीन में आपको वो बताएगा कि हमने आपको आपकी ईमेल, जो भी आपने ईमेल दी है, अगर आपने अपना फोन नंबर दिया होगा तो ये आपको फोन नंबर पे भेजेगा। चूंकि हमने ईमेल यहां पे डाली थी तो यहां पे वो हमें ईमेल पे हमें एक कोड सेंड करेगा, वो हमें अपने ईमेल से जाके कॉपी करना है और इस बार में हमने उसको पेस्ट करना है। वंस आप इसको पेस्ट करेंगे, नीचे टैब है नेक्स्ट का, आप उसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद अब आपके पास मरहला आ गया है कि आप अपनी मर्जी का एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये लेटर्स पे होगा, ये नंबर्स पे होगा और ये डिफरेंट जो अल्फाबेटिक करेक्टर्स हैं उन पे भी ये हो सकता है। एटलीस्ट आपको 8 करेक्टर यहां पे डालने हैं। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल देंगे, आपको सामने जो टैब में एक शॉर्ट सर्कल नजर आ रहा होगा ग्रीन का, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल पासवर्ड है जो आपने रखा है। अपने पासवर्ड को आपने याद रखना है और नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करने के बाद आपसे ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर, जो भी आपने अपनी डिस्प्ले पिक्चर बनानी है उसको अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन देगा। अगर आप अभी करना चाहें तो आप अपनी पिक्चर अपनी गैलरी से इसको प्रेस करके कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पे स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन को, जो बॉटम में दिया गया है लेफ्ट साइड पे, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं। ये बाद में मैं किसी भी वक्त लगा सकता हूं। आगे आपको आ जाएगा कि व्हाट शुड वी कॉल यू। इसका मतलब है कि जो ट्विटर है वो आपसे आपका यूजर नेम पूछेगा। आप जो नीचे कुछ ऑप्शंस भी देगा वो ब्लू आइकॉन में, ब्लू जो कलर है उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन वो पसंद नहीं है या वो आपको मुश्किल लग रहे हैं या कोई भी वजह है, तो आप अपना यूजर नेम भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना यूजर जनरेट कर लिया है और अब हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद
आपको जो एक स्क्रीन मिलेगी वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा सी हुज ऑन ट्विटर। इसका मतलब है कि आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अपनी जो सिंक्रोनाइजेशन है फोन की अगर वो ऑन कर लेते हैं तो आपके फोन के अंदर जितने कॉन्टेक्ट्स हैं ये इन सबको एक मैसेज चला जाएगा कि आप ट्विटर पे हैं, और उनका भी आपको पता लग जाएगा जो भी आपके मोबाइल में है कि उनमें से जो आपकी मोबाइल लिस्ट में नंबर है उनमें से कौन कौन ट्विटर पे है। तो आप यहां पे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको एक्सेस मांगेगा कि क्या आपके नंबर तक एक्सेस देनी चाहिए। अगर आप इसको अलाउ कर देंगे तो वो सबको इंफॉर्मेशन चली जाएगी, और अगर आप डिनाई करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो मैं यहां पे इसको डिनाई किया है, और यहां पे आपको एक स्क्रीन मिल रही है इट लुक्स लाइक यू हैव टर्नड ऑफ द परमिशन रिक्वायर्ड फॉर दिस फीचर, और यहां पे आप नाउ के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अगली स्क्रीन में आपको वो आपसे पूछेगा कि आप ट्विटर को किस मकसद के लिए, किस जॉनरा के लिए और किस टाइप के लिए, किस फील्ड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन ट्विटर, ये ऑफनली आप क्या देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी है, फूड है, गेमिंग है, ट्रेवलिंग है, फिटनेस है। तो जो भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये उसी तरह के ट्वीट्स आपको प्रेफरेबली दिखा रहा होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट को बटन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करने के बाद आपको वो जो भी आपने अपने जॉनरा और टाइप सेलेक्ट किए होंगे उसमें आपको वो फर्दर उसकी सब कैटेगरीज दिखा रहा होगा कि उसमें भी सब कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस्म की चीज़ें आप वहां पे देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहां पे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें सेलेक्ट करूंगा, और लास्ट पे जो एक टैब है नेक्स्ट का मैं इसको प्रेस कर दूंगा। अगली स्क्रीन में आपको ये नजर आ रहा है कि आपको एटलीस्ट एक अकाउंट लाजमी फॉलो करना है अपना अकाउंट बनाने के लिए। तो यहां पे जो भी पॉपुलर उस ट्रेंड में है, इस इंटरेस्ट में जो भी आपने सेलेक्ट किया उसमें जो पॉपुलर जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी ये पूरी लिस्ट आपको दिखाता है। इनमें से जिसको भी आप चाहें अपने पसंद के जो अकाउंट को आप फॉलो के बटन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जो अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करने के बाद आपकी जो ट्विटर अकाउंट की जो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो भी आपने सेलेक्ट किए हुए थे जॉनरा और फील्ड उसके मुताबिक एक यहाँ पे टाइमलाइन आ चुकी है। अब आपका ट्विटर अकाउंट मेकिंग का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली डन हो गया है, एंड यू आर रेडी टू ट्वीट एनी टाइम एनीवेयर। तो चलें आए अब हम सीखते हैं कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाया जाए। लिंक्डइन जैसे कि मैं आपको बता चुका एक बहुत ही प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने जैसे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं। तो हम सीखते हैं आज के लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो लिंक्डइन पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने सर्च बार पर टाइप करें linkedin.com। आप linkedin.com पर जब जाएंगे तो आप कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म पर आप लैंड करेंगे। यहाँ पर क्योंकि हम पहले से ही अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो हम उसी जीमेल अकाउंट को यूज करते हुए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो हम साइन इन विद जीमेल पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन विद जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी आपका अकाउंट शो हो रहा है, वो अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड ऐड करेंगे, आप कुछ पॉलिसीज हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, कुछ एग्रीमेंट यूजर पॉलिसीज हैं जो जिनसे आपको एग्री करना पड़ेगा। तो आप एग्री एंड ज्वाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे अब लिंक्डइन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा। सिटी, मेरा कंट्री पाकिस्तान है, सिटी में मैं लाहौर एंटर करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मेरी जॉब टाइटल क्या है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, और ये रिसेंट कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, तो मैं वो टाइप करूंगा। ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो आई एम अ स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूंगा। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी या स्कूल क्या है, तो मैं टाइप करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। मैंने कब एजुकेशन स्टार्ट की, तो मैंने 2018 में शुरू की और मेरी एजुकेशन जो है वो 2023 तक है,
और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट तो इसलिए ये मैंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये ऑप्शन कुछ फिल इन की हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट तो मैं वापस अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल की तरफ जाऊंगा और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अब लिंक्डइन चाह रहा है कि क्या आप करंटली जॉब ढूंढ रहे हैं, इस वक्त इंटरेस्टेड हैं जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब लिंक्डइन ये चाह रहा है कि मैं लिंक्डइन को बताऊं कि क्या इस वक्त मैं कोई नई जॉब ढूंढ रहा हूं, कि मैं कोई न्यू जॉब या अपॉर्चुनिटी की तलाश में नहीं हूं, या मैं खुद एम्प्लॉयर हूं। तो आई वुड क्लिक दैट नॉट रियली बट वुड कंसिडर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड क्लिक द नेक्स्ट बटन। अब इस पेज पर लिंक्डइन ये जानना चाह रहा है कि मैं किस तरह की जॉब्स में इंटरेस्टेड हूं। तो मैं इंटरेस्टेड हूं टीचिंग जॉब्स में, मैं एज अ टीचर या टीचिंग प्रोफेशनल में मैं इंटरेस्टेड हूं, प्रोफेसर टाइटल में इंटरेस्टेड हूं, और मैं कहां पर जॉब ढूंढ रहा हूं, मैं पाकिस्तान में या मैं यूके में मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, और मैं ऑल्सो रिमोट वर्क भी करना चाहता हूं, तो मैं इसको भी क्लिक कर दूंगा और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब लिंक्डइन मुझे बता रहा है कि जैसे ही इसके नॉलेज में ये दो जॉब्स आएंगी, टीचर की जॉब यूनाइटेड स्टेट्स में या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, तो ये हमें नोटिफाई करेगा। आप जितना ज्यादा डाटा लिंक्डइन को देंगे, लिंक्डइन उतना ही आपको हेल्प करेगा बेस्ट मैच फाइंड करने में। तो लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है जो कि प्रोफेशनल यूज करते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए और प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स के लिए। तो मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगा। अब यहां पर आपको अपने फोन को वेरीफाई करने के लिए इस कोड को स्कैन करना होगा, तो आप अपने फोन में कैमरा ऑन करके इसको स्कैन कर सकते हैं, या आप डिफरेंट स्कैनर्स भी यूज कर सकते हैं, क्यूआर स्कैनर्स यूज कर सकते हैं अपनी मोबाइल को यूज करने के लिए। अब आपका एक प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट सेटअप हो चुका है, आपको कुछ सजेशंस दी जा रही हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप अगर उनसे कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप अभी कनेक्ट नहीं करना चाह रहे किसी से तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर लिंक्डइन बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहते हैं या लोगों को फॉलो करना चाहते हैं या किसी कोई कंपनी को फॉलो करना चाहते हैं या किसी नॉन सेलिब्रिटी को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल। और लिंक्डइन इज रिकमेंडिंग कि आप एटलीस्ट 5 लोगों को, 5 सोर्सेस को फॉलो करें। तो हम टीचर्स रिक्रूटर को फॉलो कर लेते हैं, फ्रेश जॉब्स, एचआर सर्विसेज, जॉब्स इन लाहौर, टीचर्स इन यूएई, इस पे क्लिक करके आप मजीद लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। जिसको आप फॉलो करेंगे वो सोर्स कुछ भी अपलोड जब करेगा, कोई जॉब पोस्ट अपलोड करेगा, कोई पर्सनल पोस्ट अपलोड करेगा, तो वो आपकी प्रोफाइल में हाईलाइट हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट करें तो अब आपकी एक बहुत ही प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल रेडी है आपके सामने। आपके पास होम का फीचर है जहां पर आपकी आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आप यहां पर एक पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप पिक्चर अपलोड करने के लिए इस कैमरा के आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। तो आई एम गोइंग टू अपलोड अ फोटो, इसको मैं सेव करूंगा। अब जैसे हमने फेसबुक पर अपलोड की थी अपनी कवर फोटो, उसी तरह हम लिंक्डइन पर भी एक कवर फोटो अपलोड करेंगे। एडिट द बैकग्राउंड प्रोफाइल एंड आई विल यूज द सेम कवर फोटो जो मैंने फेसबुक पर यूज की। आपके सामने आपकी एक बहुत ही प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप हो चुकी है।